अरे चौबे जी, जो हमारे वांटेड के केसेस थे वो लोग पकड़े गए? जनाब कुछ तो पकड़े गए, कुछ बाकी हैं। इन मोहतरमा की क्या रिपोर्ट है? जनाब इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। ओहो, आपसे पहले कह रहे इन पे स्पेशल ध्यान दिया जाए, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इन पे टिकी हुई है। जी जनाब। हेलो, 750 रुपए का समोसे का 750 रुपया बिल आ रहा है, कौन ठूसता है इतने समोसे? जनाब मैंने तो पिछले हफ्ते बस दो ही खाए थे। सर मैं तो डाइटिंग पे हूँ। वो पेटला हलदार कहाँ है? जैन जनाब, ये मेरा इस्तीफा, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। इस्तीफा? अरे समोसे की बात पे इस्तीफा क्यों दे रहे हो यार? खा लिए एक दो और खा लिए कोई बात। अरे नहीं नहीं जनाब, वो बात नहीं है, अब मुझे इस नौकरी की जरूरत ही नहीं है। नौकरी की जरूरत नहीं है के बात भाई, को लॉटरी लग गई के? लॉटरी समझो जनाब, लड़के का ब्याह फिक्स हो गया। अच्छा, अरे मुबारक हो, हैप्पी वेडिंग, हैप्पी वेडिंग पेटले जी। जनाब लड़की के पिता गांव के प्रधान है। अच्छा, 40 किले हैं, एक भी लड़का नहीं है और बस दो लड़कियां ही लड़कियां हैं। सिर्फ दो लड़कियां? जी जनाब। अरे हौलदार जी कमाल कर दिया आपने तो, 20 किले इससे आगे जनाब, अब लाइफ में नो टेंशन। अरे क्या बात है, आओ आओ बैठो हौलदार जी, कुर्सी लो कुर्सी लो। अरे छोटू हवलदार जी के लिए दो समोसे ले बढ़िया। जनाब एक समोसा मेरा ही मंगवा दो, जी चाह रहा है। तो लेना भैंस का चोट खा लें तू थोड़ा सा, बदतमीज। हवलदार जी आप बताइए उनकी फैमिली वगैरह कैसी है? काफी रेप्यूटेड फैमिली है जनाब, आते जाते लोग सलाम ठोकते हैं, घना रपी है ना अंदर है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। और उनके जो किले हैं वो मेन रोड पे है कि कहीं भीतर जाके हैं? सारे मेन रोड पे है जनाब, 2-2 करोड़ का एक किला है, कद्दे बेच लो। ले जी लो, 2 करोड़ पर किला, समझ रहे हो बात? अच्छा एक बात बता, उनका गोत्र क्या है? वैसे गोत्र तो दैया है जी, पर आप क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि सावन का महीना आ चुका है और पवन भी शोर कर रही है, तो इस साल में शादी बिठाई दूं। किले हैं सर? नहीं सर। चुपचाप खड़ी रहा। हवलदार जी आपने प्रधान जी की दो लड़कियां बताई, उनमें से जो छोटे है ना छोटे वाली, वो जो मेरी साड़ी लागी जी। करेक्ट। हाउ ब्यूटीफुल शी इज? वेरी ब्यूटीफुल जी, गणी सुत्री, टोटा है टोटा। लो तो फिर गल गया गीसा। हवलदार जी हाथ मिलाओ दो हैंडल, और जो वो छोटे वाली है ना उससे मेरे रिश्ते की बात चला दो। ओहो जनाब आप थोड़ा सा लेट हो गए। लेट हो गया क्यों? ये जो चौबे है ना जी, कल अपना रिश्ता पक्का कर गया उससे। जनाब ऐसे मौके थोड़ी छोड़े जाते हैं। उड़ा दोनों कदी के बच्चों, और तू देखो डोंट गेट स्केयर्ड, कम फ्रंट, डू योर मेकअप, आराम जादो, दहेज के लिए शादी कर रहे हो तुम्हें? दोनों को जेल में बंद कर दूंगा, एक पैसा भी लिया किसी ने दहेज का? जनाब अब करें क्या, आप रिश्वत लेने नहीं देते, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना अब। अरे ओ गुप्त रोगी, ईमानदारी की कमाई करके खा ले, कुछ तेरे शरीर में लाग जाएगा चुसली सा। जनाब मेरा इस्तीफा तो एक्सेप्ट कर लो। तेरे इस्तीफा की रुक जा, या मैंने बना दी बात, अरे किसने दे ले अपनी गोज में। अरे अरे क्या हो गया, कौन मार डालेगा आपको? सावा मने कती मार देगी साहब, बचा लो आप मने। अरे आप रिलैक्स रहिए, हमारे सिवा आपको कोई नहीं मार सकता। के मतलब? अरे आई मीन हमारे होते हुए आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा हाँ, आप आराम से बैठिए चिल करिए। अरे हवलदार पिलपले मैडम के लिए कैंपर ले जाओ ठंडी। जनाब इतना बजट ना है, चाय मंगवा लो बिना दूध की। मैडम बस क्या बताएं, आजकल थाने का भट्टा बैठ रहा है। खैर छोड़ो, लाइफ गोज ऑन, आप बताओ आपका क्या मुद्दा है? साहब मेरी सासू है ना, मने रोज पीटेस है, यो देखो जनाब। ओ माय गॉड, आज भी तड़के तड़के मुक्का मार के मुझे जाड़ तोड़ दी। इसमें तो बहुत पेन होता होगा। बहुत पेन हो रहा है जी। खैर छोड़ो, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम चांदनी। ओहो मुझे लगा ही था कुछ चांद से रिलेटेड होगा, आई न्यू इट। और आपके घर में कौन कौन है जी? हमारे घर में एक पति, एक सासू, 2 भैंस और एक काटड़ा है जी। अच्छा, जब आपकी सास आपको पीटती है तो आपका काटड़ा आपका पति आपकी हेल्प नहीं करता? कितना ना जी, वो तो डर के मारे लुक उड़ जा है। डर? डर किस बात का जी? मेरी सासू के ऊपर ना भूत प्रेत का साया है, कदे कदे ना उसमें एक डायन आया करे। डायन? 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 अरे ओ थारा लगे सीरियल चल रहे हैं यहाँ है, अपने अपने काम पर ध्यान दे लो सारे। और जो मैडम की फाइल शाम तक मेरे टेबल पे नहीं आई ना HD में, तो सारे सस्पेंड हो तुम। हाँ जी मैडम, आप ये बताओ वो डायन करती क्या है? जीवा
अपने सारे बाल ने खोल के ने धर अपने नाचने लग जाएगी। छम्मा छम्मा बाजे रे। बस 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 बस, लेकिन फिर आपको वो मारती कब है? जी जुकरा गाना रुकेगा नुआवा मेरे बटाबट 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 कहिया मार जाएगी। ओहो, आप टेंशन मत लो, आपका पूरा मामला हमारी समझ में आ गया है और रिपोर्ट लिख ली है आपकी। जी आप संभाल तो लोगे ना उस डायन ने? अरे दिक्कत की कोई बात तो नहीं है जी, उस डायन की तो मारा है कि वो डायनासोर बहुत है। चलो अब आपके घर चलते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। चलो रे सारे उठो, चलो केस सॉल्व करना है, जल्दी चलो। जनाब कर लूं गिरफ्तार। अरे डॉक्टर पहला कुछ पूछताछ करें फिर गिरफ्तारी होगी। आए बहू, या पुलिस क्यों ले आई? घर में चोरी होगी के? चोरी ना हुई, तेरते ले आई हूं ने। रुको रुको रुको, मना बात करने दो। ताई राम राम। राम राम बेटा, राम राम। हुक्का पीऊंगा? ना 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 ताई, तू एक एंजॉय। थैंक यू। ए बेटा मेरा तो चलता ही रहे एंजॉय। जनाब मैं पीऊंगा। भूखी नीच के, अरे चिल करना रह तू। जनाब कर लूं गिरफ्तार। अरे बैठ जा तू, चुपचाप खड़े रहो। ऋतिक बेटा ले इंस्पेक्टर साहब की कुर्सी लिया। यो ऋतिक कौन है? जी वो मेरा बेटा है। अच्छा। ए बेटा हमारे जमाने में तो पुलिस वाले पैंट पहना करते, तुम कच्चा पहन लगे? भाई यो तो बस सिर्फ समरसर है ना, तो थोड़ा कूलिंग सिस्टम बना रखा है। अच्छा। आप ये छोड़ो, आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। मेरी मेरी क्या कंप्लेंट? आप अपनी बहू ने रोज पीटो हो मारो हो। ए बेटा मैं क्यों मारूंगी इसके? या तो मेरी लाडली बहू से ना पूरे गांव में ढूंढे तभी ना मिला इसी बहू। अच्छा जनाब झूठ बोले है भैया, रंग बदले है, ये देखो मुक्का मार के नील गे रखे मेरे। ओहो जनाब कर लूगी रफ्तार। अरे ओ कम क्लोज टू मी, कितनी बार समझा लिया तू? आए बहू मेरा झूठा नाम क्यों लगावे है? उतरे बोलू ना मारे होंगे, उका नाम ले। एक मिनट एक मिनट, यो बोलू कौन है? बोलू मेरा पति है जी, बहुत बड़ा आदमी है, मेरे मान तो दूर की बात है, उसने दांत से एक मच्छर भी ना मारा। अच्छा सर ये सब आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बेबो तुम मेकअप करती रहना, क्यों इतना लोड ले रही है? गो अप भाई, साथ साथ बता देते नहीं इसके मारे हैं कि नहीं। बेटा मने इच्छे लम्बा जड़ते गोस्से की कसम, मने का हाथ भी लाया होता। जनाब गोस्से की कसम तो कोई झूठी नहीं खावे, कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता। अच्छा जनाब जब इसमें डायन कट जाए करे ना, ये नुआ बोड़ी बने आकर जो उसने कहा मैं बेरा है ना। डायन कुछ सी डायन? भाई तेरे डायन के बारे में कुछ नहीं बेरा। ना बेटा मैंने तो कुछ ना बेरा। देख कितनी बोड़ी बन रही, इससे ना मारे है बेशक मेरे पति तो पूछ लियो। जनाब इसके पति को कर लूं गिरफ्तार। मोटे तू एक काम, इसने साइड में ले जा रही, इसके 10 डंडे मार ले जा इसने। जी जनाब। और लाल कर दे इसके मार मार के, चलो यार दोनों चले। बेबो यू गो एंड चेक देम आउट। ओके सर। आपका पति कहाँ मिलेगा जी? वो तो बेचारे पगड़ में कासन मांझता होगा। कासन? लेट्स गो एंड टॉक टू हिम। ताई थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ये दे जी मेरे पति मिस्टर बोलू सिंह। बोलू तो कदी गोलू है ब्यूटी पाई। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आपसे कुछ पूछताछ करनी है भाई साहब। हाँ जी पूछ लो सर। आपकी बीवी ने कंप्लेंट करवाई है कि आपकी माँ इनको मारती है, ये देखो कैसे निशान बना रखे हैं। क्या आपने कभी ये सब होते हुए देखा अपनी आँखों से? हाँ जी सर मारती तो है कभी कभी। देखा सर, कहा था ना मैंने आपको। सारी बात डिटेल में बताओ क्या क्या होता है। सर वो ना कभी कभी मेरी माँ में डायन आ जाती है सर, जब डायन आती है ना सर तब वो मारती है इसको। इन आपकी माँ तो कह रही थी वो इनको पसंद करती है और वो तो किसी डायन को भी नहीं जानती। एक नंबर की झूठी है सर। एक्चुअली बात ये है सर, डायन के निकलने के बाद ना मेरी माँ को कुछ भी याद नहीं रहता। एक बात बताओ उनमें डायन आती कब कब है? सर हफ्ते में 2-3 बार तो आ ही जाती है। और जब उनके शरीर में आ जाती है तो फिर बाहर कैसे निकलती है? वो तो जी मेरे पति बाबा चूरण सिंह जी से एक मंत्र लेके आए हुए हैं। मंत्र? जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं डायन निकल जाती है। हैं? ये कौन सा मंत्र है भाई साहब? सर 3 बार बोलना होता है, लिकड़ लिकड़ लिकड़, और वो लिकड़ जाती है। हैं? ऐसे ही निकल जाती है? तभी की तभी निकल जाती है। मैडम आपका केस थोड़ा पेचीदा है, मैं शाम तक आपको कोई अपडेट देता हूँ ठीक है।
भोलू बर्तनों के बाद कपड़े भी है वो भी धो देना ठीक है। इधर आ गई रस्तारी। बोल। अरे 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 दसवीं हुई अब तक। कितने बच्चे हैं? आठ हो गए बस। दस। आ जाओ टीम मीटिंग। जनाब आपको क्या लगता है वाक्य में कोई चुड़ैल है कि बुढ़िया झूठ बोल रही है? इस बात का तो मुझे पता नहीं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है बाबा चूरण सिंह का इस केस में बहुत बड़ा रोल है। जनाब कौन चूरण सिंह? अरे वही जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है। हाँ वही। चलो फिर उसे इंटरोगेट करते हैं। बेबो एक काम करो तुम यहीं रुको क्योंकि बाबा क्या भरोसा आजकल के नहीं। तुम यहीं वेट करो हम केस सॉल्व करके आते हैं ठीक है। चलो रे। आ जाओ बैठे बाबा चूरणे करेंगे सबकी इच्छा पूर्णे। आ जाओ बैठे बाबा चूरणे करेंगे सबकी इच्छा पूर्णे। आ जाओ बाबा जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग कैसे आना हुआ बाबा जी? हाँ जी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। बोलो बच्चा क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए बाबा से? यार सवाल का जवाब देंगे चूरण बाबा। बाबा बोलो नाम के आदमी ने जानो हो। बोलू हो या गोलू सब बाबा की शरण में आते हैं। जिनसे अपनी किस्मत का घंटा खुद नहीं बजता वो बाबा से बजवाते हैं। अरे जनाब ये बाबा चूरण सिंह तो शहर भी निकला। अरे भाई साहब कभी पाके पड़े हैं नाराज। बस ऐसे ही कर लेते तुक बंदी कभी कभी लिटिल बिट। बाबा जी ठंड हो गया बहुत। ये पॉइंट पे आते हैं। आपने बोलू नाम के आदमी को एक डायन काटने का मंत्र दिया था लेकड़ 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 कुछ याद आ रहा है? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा बच्चा। देखो बाबा जी करो याद क्या पता कुछ याद आ जाए। हाँ बच्चा थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है। और ध्यान लगाओ बाबा जी के मेरा पूरा का पूरा याद आ जाए। हाँ बच्चा आ गया याद आ गया बच्चा याद। वेरी गुड। इवन यू बताओ जब आप पर डायन काटने का मंत्र है तो आप पर डायन घुसाने का भी मंत्र होगा? नहीं बेटा ऐसी तो कोई विधि नहीं है बाबा के पास। बाबा जी देखो ये है पुलिस का डंडा इसका एक ही है फंडा। जब ये पिछवाड़े पे पड़ता है ना फटाफट सारी विधि अपने आप सीख जाता है आदमी फटाफट। अरे जनाब आप भी पूरे शहर निकले। अरे मार्केट में शेक्सपियर के बाद हम ही पैदा हुए हैं। अरे बाबा तू क्या एंजॉय कर रहा है? जल्दी जल्दी बता दे लेकड़ 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 और बोलूगा के राज है। उसका तो नहीं पता बच्चा। बताओ एक बताऊ बताओ 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 ओ देखिया भाई हो गया ना केस सॉल्व। चलो बेबो कम ऑन। चांदनी जी आगे इंस्पेक्टर साहब आप और आपका पूरा केस भी सॉल्व कर दिया। अच्छा फिर कर लो गिरफ्तार मेरी सासू ने। ना जी ना इसमें आपकी सासू का कोई दोष नहीं है। फिर किसका दोष है? सॉरी टू से मैडम जब आप नाम सुनोगे ना आश्चर्यचकित रह जाओगे। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी अंबर फट जाएगा। अरे वो इंस्पेक्टर कौन है? फिर केस कौन सॉल्व करेगा? इंस्पेक्टर साहब आप नाम बताओ। बता दूर है? बताओ बताओ। मैडम यो सारा दोष इस बोलू का है। बोलू का? मैंने क्या किया है? अच्छा रे बोलू बड़ा बोला मत बने। बाबा चूरण सिंह से डायन वाला मंत्र कौन लाया था? वो तो डायन बाहर का डनका मंत्र था। बाहर का डनका डनका नहीं वो डायन भीतर बाड़न का भी मंत्र ले आया था। ना इंस्पेक्टर साहब मैंने आप किस बात पे कति यकीन नहीं। ई बाप ने सारा यकीन हो जाएगा। दिखाओ उस मंत्र का असर। हाँ इंस्पेक्टर साहब दिखाओ मन्ने भी। इस तरफ आ जाओ आप और कोई सट रहेगा नहीं रे ठीक है। बढ़ बढ़ बढ़। इंस्पेक्टर साहब आगे डायन बचा लो मैंने। कुछ ना हो मैं खड़ा और ये मेरे हवलदार खड़े। अरे अब छुट रहे हो। छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैर। इंस्पेक्टर साहब ने कही थी नहीं इससे गाने बना चक रहे तेरी पैर जड़िया। छम्मा छे छम्मा छम्मा। इंस्पेक्टर साहब ये भी हमने मारे के मैंने बचा लो मैंने। कुछ ना हो तुमने लिखाड़ने का मंत्र भी मेरा। डट जाओ लिखाड़ लिखाड़ लिखाड़। इंस्पेक्टर साहब आप तो साचा को थे। आए बहू इंस्पेक्टर साहब की चाय बना लेने। चाय तो मैं बोलू की बनाऊंगी। क्यों करे तेने मेरी गला न्यू? तू सारा दिन मेरे से घर का काम कराती थी ना इले तेरे से बदला लेने के लिए क्या मैंने ये काम करने तो तेरे शौक है। चांदनी जी बर्तन साफ करना किसी का शौक ना होता।
इंस्पेक्टर साहब बात इसी है, काम हो गया आपका, कड़े ले आड़े थे। ओहो, एक तो थारा केस सॉल्व कर दिया, मेरे पे अटके है। चलो रे बड़ 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 छम्मा छम्मा। ओए बुबू, गल गया की साहब? नहीं, एक काम करो हलवाई जी, तो दो करोड़ के कद्दे बेच लो। जनाब अब ऐसे मौके रोज रोज थोड़े, जनाब अब ऐसे मौके रोज रोज थोड़े थोड़े थोड़े। जनाब मेरा इस्तीफा तो एक्सेप्ट करो। कहा तेरा इस्तीफा बहन के दिन है? पूरी चलती है हमारी यहाँ थाने में। अच्छा, कुछ दिन तो गुजारिए। डायन 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 डायन, अरे ओ डायन। डायन 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 डायन। जब उनके शरीर में ये आ जाती हैं तो फिर निकलती कैसे हैं ये मोहतरमा? आप किसका कच्चा पहन रहे हो? प्रमोद का बाबा जी। प्रमोद का और क्या क्या आपके पास? बाबा तू क्या एंजॉय कर रहा है, जल्दी बता दे। लकड़े लकड़े कहाँ भाज रही हैं? दो है, मैंने बचा लियो। चुप हो जाओ ना, खान पे जो रहता। हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो।